इस वीडियो में दिखाया गया है एक ऑटोमेटिक वाटर एटीएम मशीन, आरओ विद चिलर है इसके अंदर। अगर बात करें प्रॉफिट की तो कितना इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है, अगर एक मंथ कोई सही ढंग से आरओ को इसको चलाए तो कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर ठीक ठाक उसका काम चले तो। ये अपना आरओ है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग बोलते हैं जी, और इसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ है। अच्छा। ये है तो आपका आरओ है, अगर नहीं है तो आपका आरओ नहीं है। अच्छा। अगर ये मशीन में लगी है तो आरओ पानी आपको मिल रहा है। ठीक है, मशीन की कैपेसिटी है घंटे का 500 लीटर, एक घंटे में 500 लीटर जी। और वाटर एटीएम 24x7 चलता है जी। इम्प्लॉय लगेगा आधा तो पैसा आएगा ज्यादा, और ये है हमारा वादा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने ओरवॉइस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। और दोस्तों, आज फिर एक नए रोजगार की तलाश में हम पहुंच गए हैं पटना, और पटना के पहुंचे हैं आरएस इंजीनियर एंड कंसल्टेंट। ये क्या देते हैं, इनसे जुड़ के आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उस पूरी जानकारी के लिए हम मिलवाते हैं रवि जी से। और रवि जी से मिलवाने से पहले आपको एक बार और धन्यवाद करूंगा कि एक सबसे ट्रेंडिंग वीडियो यहां से बनाया गया था हमारा, वो जो वीडियो था वो था डिस्टिल वाटर का, और आपने सबसे ज्यादा प्यार दिया उस वीडियो को। आज भी सेकंड ट्रेंडिंग वो वीडियो है मेरा। जैसा आपने उस वीडियो को प्यार दिया है, जैसा लोगों ने लगवाया है, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। और उसी तरह का ये इंडस्ट्री है, जुड़ के मिलने वाला है। पूरी जानकारी के लिए हम मिलवाते हैं रवि जी से। सबसे पहले रवि जी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार सर। और ये बताइए मेरे व्यूअर्स को, ये कौन सा बिजनेस है, इससे जुड़कर लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, और क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए? जैसा कि हमने यहां पर पहले ही लिख दिया है, वाटर एटीएम मशीन। जैसे एटीएम से आप पैसा निकालते हैं ना, उसी तरह इस मशीन से आप पानी निकालेंगे। ये वाटर एटीएम मशीन है जो कि हमने डिजाइन किया आरओ और चिलर के साथ। मिनरल वाटर आपको मिलेगा पैसा डालने से पानी, और ये आपका फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है जो एक कस्टमाइज 4x4 फीट के बॉक्स में हमने बना करके दिया है आपको। और इसकी खासियत ये है कि फ्रंट डिस्प्ले से सारा चीज इसको देखा जा सकता है, और ये रिमोट मॉनिटरिंग से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और कार्ड और क्वाइन दोनों सिस्टम होता है इसमें। मतलब पैसे भी डाल के आप निकाल सकते हो, और इसका एक कार्ड आता है जिसको हम लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं, उसी तरह वाटर एटीएम कार्ड है, उससे भी आप इससे पैसे देके पानी निकाल सकते हो। तो रवि जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पूरे मॉडल को समझाइए, इसके अंदर क्या क्या लगाया गया है, क्या क्या कस्टमाइज किया गया है, और कैसे जो लोग पानी लेंगे, हर कोई चाहता है कि हमें शुद्ध पानी मिले। और कई कई बार होता है कि आरओ प्लांट लोगों ने तो लगा रखा है आगे, और पानी उनको आरओ का नहीं, डायरेक्ट उनको नल का पानी मिल रहा है। इस मशीन से जो लोग पानी पिएंगे उनको कैसे पता लगेगा कि हम फिल्टर का पानी पी रहे हैं, ये पूरा डिजाइन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, उसी के लिए मैंने बताया कि हमने एक ऑटोमेटिक पैनल लगा रखा है जी। इस पैनल में ही हमारा पानी आरओ है या नहीं है उसका टीडीएस डिस्प्ले इस मेन्यू में होता है, जो कि हमेशा रोटेट होता रहता है। अच्छा। कि पानी का टीडीएस आपका क्या चल रहा है, अगर अपना आरओ वाटर का टीडीएस होगा तो यहाँ पे आरओ का टीडीएस आपको दिखाएगा, नॉर्मल पानी का टीडीएस भी यहाँ दिखेगा, तो लोग उसको आसानी से यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। और चूंकि मशीन यहीं पर है तो विजिबिलिटी है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मशीन लगी है नहीं लगी है, पीछे भी आप देख सकते हो भाई मशीन लगी है तो यहीं पे है, कहीं दूसरी जगह से पानी नहीं आ रही है। और सामने ये फ्रंट में लगाया गया कि पानी कितना फिल्टर हो रहा है वो भी डिस्प्ले करेगा। दूसरा, ये दो पार्ट लगे हैं, प्रेशर गेज है, ये सर्विस में काम आता है कि आपकी मशीन अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, ये उनके लिए है जो ये मशीन लगा करके ऑपरेट करेंगे। बाकी सेफ्टी के लिए प्लांट फुल्ली ऑटोमेटिक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन या किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो प्लांट अपने आप बंद हो जाता है और चालू होता है। अच्छा, ये कॉइन वाला सिस्टम थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, रुपया वाला सिस्टम थोड़ा समझा दीजिए। रुपये वाले में बताना चाहूंगा कि ये अपना एक जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है उस तरह ये अपना वाटर एटीएम का कार्ड है, और ये कार्ड को यहाँ पे आरएफआईडी कार्ड बोलते हैं, और यहाँ पर रखने से ये पानी इससे डिडक्ट होता है और इसका टॉप अप रिचार्ज होता है। अच्छा। और ये क्वाइन सिस्टम होता है, इसमें पैसे डालने से पानी निकलते हैं। अच्छा। क्वाइन भी आप 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया स्कैन करा के डाल सकते हैं, जो इसमें इंसर्टेड होगा कि आपको 2 रुपये में कितने पानी चाहिए, 10 रुपये में कितना पानी चाहिए, वो यहाँ पर सेटिंग किया जाता है। मतलब 2 से 3 क्वाइन को यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। आपको 2 लीटर पानी देना है, 5 लीटर देना है, 10 लीटर देना है, 20 लीटर देना है, वो सारी सेटिंग इस मशीन से हो जाएगी। अच्छा, अगर बात करूँ कि ये कॉइन का हो गया, यहाँ नोट का कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा रहा है। सर, नोट का ऑप्शन अगर कोई डिमांड में आता है तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अभी नोट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारे पास जो नोट होते हैं ना वो मुड़ जाते हैं, और मुड़ा हुआ नोट कभी एटीएम मशीन से नहीं निकलता है। तो आपने हमेशा देखो एटीएम मशीन से हमेशा कड़क नोट निकलता है, तो हमेशा कड़क नोट अगर डालोगे तो ही पानी निकलेगा। वो ऑप्शन हम फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि कड़क नोट लेके आना होगा। अच्छा, नॉर्मल नोट नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे कि आपने इस कार्ड के बारे में बताया कि इस कार्ड को इंसर्ट करेंगे और पानी निकलेगा, तो क्या इस कार्ड का भी कोई पैसा देना पड़ेगा या टॉप अप कैसे होगा? ये टॉप अप करने के लिए यहीं से आपको टॉप अप करके दिया जाएगा कार्ड का। जैसे आप मंथली टॉप अप कराना चाहते हो, चलो आप 500 का रिचार्ज करा लो, इसमें 500 रुपये आपके क्रेडिट हो गए। अच्छा। और जब भी यहाँ से आप करोगे इसमें से पैसे कटते जाएंगे, तो उस वक्त आपको ये कार्ड का कोई चार्ज नहीं देना होगा।
अच्छा। लेकिन अगर कोई नॉर्मली लेना चाहे और कहे हम बाद में रिचार्ज कराएं, तो इस कार्ड की एक प्राइस है 50 रुपीज। अच्छा। तो उनको पे करना होगा। अच्छा। क्योंकि कार्ड अगर गुम हो जाता है तो टोटल लॉस में चला जाता है। अच्छा। तो इस वजह से आपको वो 50 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। मिनिमम 500 रुपए का अगर रिचार्ज करा लेता है कार्ड का, तो फिर उसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट या 50 रुपए पेमेंट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात सबसे चीज है कि जिसके पास पैसा है वो इधर से ले सकता है, जिसने कार्ड अपना ले चुका है वो कार्ड से ले सकता है, लेकिन एक ऐसा अननोन पर्सन उसके पास चेंज भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, उस कंडीशन में वो कैसे पानी लेगा, यानी कोई अजनबी रास्ते से जाने वाला व्यक्ति कैसे पानी ले पाएगा? उस कंडीशन में क्या है कि अगर वहां पर कोई ना कोई बंदा होगा जिसको मशीन हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि मशीन को एक बार तो स्टार्ट करना और बंद करना है। जी जी। तो एक बंदा तो वहां पर रहेगा ही रहेगा गाइड करने के लिए। जी। उनके पास भी एक ऐसा कार्ड होगा मास्टर कार्ड, जिसमें हजारों रुपए का रिचार्ज होगा, वो अपने कार्ड से पेमेंट करके आपको पानी दे सकता है। अगर बात करें तो इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी और क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है? इसकी कॉस्टिंग सर अभी जो हमने किया है प्लांट और चिलर मशीन वाटर एटीएम का पूरा सेटअप हमने 2.5 लाख के आसपास रखा है। आप इसका जो कॉस्टिंग है थोड़ा सा डिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का अप डाउन हो सकता है, बाकी कॉस्टिंग सेम है। बिहार झारखंड में कहीं भी जाएगा तो ऑलमोस्ट ये कॉस्टिंग में चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर ये मशीन को लेता है, काफी हैवी मशीन है, काफी बड़ा मशीन है, अगर यहां से किसी आउट ऑफ स्टेट जाता है तो उस कंडीशन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, उसका सर्विस कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऐड होगा और लोकेशन के हिसाब से हम लोग वहां पर सर्विस सेंटर अरेंज कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारा जहां काम हुआ जम्मू में जो काम हुआ अपना, तो हमने वहां पर अपना बंदा भेजकर काम करवाया जी। और उनको इतना ट्रेंड कर दिया कि अगले बार उनको गाइड किया जाए तो वो दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो हमारा ये हमेशा थीम है कि जितने भी स्टेट से या नए लोग जुड़ेंगे हमसे, हम उनको इतना गाइड करें कि फ्यूचर में वो सर्विस मेंटेनेंस देखने के लिए सक्षम हो जाए। अच्छा, अगर बात करें सर्विस की तो कितने दिन तक सर्विस आप देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? 1 ईयर वारंटी रहेगी जिसके अंदर में आप फ्री सर्विस मिलती है। अच्छा। उसके बाद आपको मेंटेनेंस लेना होगा जिसका कॉस्ट 10% होगा मशीन कॉस्ट का। अच्छा, मशीन कॉस्ट का 10%। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते हैं और बीमार होने के बाद वो वहां पे जाके जो भी पैसा होता पे करते हैं, उसी तरीके से अगर कोई मान लीजिए एनुअल मेंटेनेंस नहीं करवाता है और उसकी मशीन कोई फॉल्ट आ जाती है 1 साल के बाद, तो उन लोगों के लिए क्या है? उनके लिए आप 2000 रुपए सर्विस चार्ज और आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन लगेगा पर डे का, तो उनका भी काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, 2000 रुपए पर डे उनका चार्ज। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो ओपन ये बाहरी का है, आउटर स्ट्रक्चर है, इसका इनर में क्या क्या है वो देखना चाहेंगे हम अपने और व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि वो भी लगाएं तो इसके अंदर कितना मेंटेनेंस लगेगा या इसके अंदर ऐसा क्या क्रिटिकल चीज है जिससे कि वो परेशान हो सकते हैं, वो थोड़ा हम देखना चाहेंगे। ठीक है, मैं सर दिखाता हूँ, आप आइए हमारे साथ। तो गाइस आइए हमारे साथ और दिखाएंगे हम इसके अंदर में क्या है, इंटरनल पार्ट में इसके अंदर क्या है उसको दिखाते हैं हम अंदर आके। तो जैसे गाइस हमने आपको बाहर का आउटर पार्ट दिखाया है, इनर में दिखाते हैं कि आप लोग जो लोग मशीन लगाएंगे इसके अंदर क्या क्या है, और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा है जिसको कि आप मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी और ऐसा कोई परेशानी आपको होने वाली, तो फिर भी हम इसको दिखाते हैं आपको कि आपको समझ में आ जाए इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो रवि जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा प्लीज हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि कौन कौन सा ये है इसका और कैसे कैसे ये काम करता है। जैसा देख रहे हो मैंने सर ये पकड़ रखा है इनका शटर, ठीक है, ये चारों तरफ से फोल्डेबल है और ये ओपन हो सकता है, तो कहीं से भी आपको सर्विस में या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिधर भी प्रॉब्लम होगा उस साइड का पार्ट उठा करके इसको सर्विस किया जा सकता है। जी। दो स्टेज फिल्ट्रेशन है, पहला है सेडिमेंट फिल्टर, दूसरा है एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर। यहाँ से जाने के बाद नीचे यहाँ पे ब्लिक ब्लू लगा होता है जो माइक्रोन कार्टेज होता है, ये भी हमने यहाँ पर दे रखा है डबल। अच्छा। और इसके बाद अपना 2 यूनिट है आरओ। अच्छा, ये आरओ है, ये अपना आरओ है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग बोलते हैं और इसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये है तो आपका आरओ है, अगर नहीं है तो आपका आरओ नहीं है। आरओ नहीं है तो यही होता है अपना रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। अच्छा। अगर ये मशीन में लगी है तो आरओ पानी आपको मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है कि लोग जॉब चाहे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, शटर उठाएं और अपना वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं कि भाई मशीन डब्बा है, मशीन के अंदर सब दिखेगा। तो दोस्तों यहां तक हमने दिखाया इसका आउटर पार्ट, इनर पार्ट सारा दिखाने के बाद अब हम रवि जी से पूछेंगे कि ये मशीन कहां जाने के लिए तैयार किया गया है और आपको कैसे इनसे जुड़ के बेनिफिट मिलने वाला है, इसके लिए पूरा हम डिटेल लेते हैं। तो रवि जी ये बताइए, ये मशीन जो आपने बनाया है ये कहां के लिए बनाया हुआ? सर ये मशीन झारखंड से ही अपना एक ऑर्डर है जी, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये झारखंड से एक कस्टमर ने हमें ऑर्डर करके बनवाया है कि हमें ये चाहिए जी, और हो सकता है फ्यूचर में उनका कुछ टेंडर हो या इस टाइप का हो, इसलिए उन्होंने कस्टमाइज करके हमसे बनवाया है। तो इस तरह का अगर आप भी बनवाना चाहो तो हम आपको बना सकते हैं, इसका एक सेकेंड वैरायटी भी अपने पास अवेलेबल है। अच्छा। जो ऑलमोस्ट रेडी है, जैसे ही ऑर्डर करोगे मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, सब कुछ मेरे को इसमें दिखाई दे दिया लेकिन पानी निकलने का टोटी जिसको नलका बोलते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा इसमें अभी तक। सर नलका का सिस्टम हमने फ्रंट में हमेशा रखते हैं जी, लेकिन अब एग्जैक्ट डिजाइन उनको आइडिया हमें मिला नहीं कि लोकेशन क्या होगा, इसलिए उसको दाएं बाएं कहीं से भी निकाला जा सकता है, तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पर होल किया नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये आप फिटिंग होगा ना उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। अच्छा। उनका कितना स्पेस है, कितने टोटी चाहिए उनको, इसमें 2-3-4 भी लगाया जा सकता है फ्यूचर में, तो इसलिए हमने वो अभी कटिंग नहीं किया सर, ये ऑन साइट वर्क होगा। तो गाइस इस वीडियो में एक अच्छा वाटर प्लांट दिखाया गया है जिसके अंदर चिलर भी मौजूद है, और इस वीडियो में हमने डिटेल में आपको बताया कि आप अपना
सोलर प्लांट लगा के कैसे एक अच्छा इनकम कर पाएंगे, इस वीडियो के द्वारा जो आपको दिखाया गया है डिटेल में देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि वाटर प्लांट लगाने से क्या होगा, कितना कॉस्टिंग होगा और इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। सारा कस्टमाइज भी आप चाहें तो इनसे बनवा सकते हैं। अगर बात करें प्रॉफिट की तो कितना इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है, अगर एक मंथ कोई सही ढंग से आरओ को इसको चलाए तो कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर ठीक ठाक उसका काम चले। मशीन की कैपेसिटी है घंटे का 500 लीटर, एक घंटे में 500 लीटर, और वाटर एटीएम 24x7 चलता है, लेकिन कुछ लोकेशन को आप 50% भी मान के चलो तो कम से कम 12 घंटे तो आसानी से इसको आप वर्क करवा सकते हो, जो कि अपना डे टाइम या नाइट टाइम है कुछ भी। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर आप जो भी कैलकुलेशन है मार्केट के कैलकुलेशन के हिसाब से, मार्केट के प्राइस से थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर एटीएम लगा हुआ है, क्योंकि किसी के यहाँ आप एक बॉटल पानी लेते हो जिसका प्राइस होता है 20 रुपये एक लीटर, और यहाँ पर आपको वो पानी मिल जा रहा है 5 रुपये में, तो 5 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करो तो 500 लीटर का 2500 तो सिर्फ घंटे का हो गया। जी जी, लेकिन ये काफी ज्यादा हायर हो जाता है, मैं वो नहीं बोलूंगा, उस हिसाब से प्राइस को आप कम करो, 1000 रुपये घंटे का आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि दिन भर में 2000 रुपये, तो क्या 2000 रुपये इससे बचाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बचाया जा सकता है सर, अगर 500 लीटर का प्रोडक्शन है घंटे का, 2 रुपये लीटर भी आप बेचोगे तो आपको 1000 रुपया घंटे का इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बाकी आपका पीक टाइम क्या है नहीं है उस हिसाब से वो बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन मिनिमम 2 घंटे तो सेल करोगे ही। जी जी, वो नॉर्मल है। तो गाइस, इस वीडियो में दिखाया गया है एक ऑटोमेटिक वाटर एटीएम मशीन, आरओ विद चिलर है इसके अंदर, और ये भी आपको देखा होगा आपने कि इसे बहुत डिटेल में हमने बताया इसके बारे में, इसके अंदर एम्प्लॉई की तादाद बहुत कम लगेगी, और एम्प्लॉई की तादाद अगर कम लगेगी तो आपका खर्चा घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में आप ज्यादा आएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अच्छा मशीन है, आप इस इंडस्ट्रीज को लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जबकि आज देखा जा रहा है कि आरओ का बहुत ज्यादा डिमांड है, हर जगह हर कोई लगा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा एम्प्लॉई एंगेज होते हैं, इसके अंदर एम्प्लॉई की एंगेजमेंट कम है, यह सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। और गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में हमने दिखाया है आपको एक बेहतरीन आरओ का एटीएम, और इससे जुड़ के इस बिजनेस को लगा के आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और देख रहे हैं हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे तो करिएगा सब्सक्राइब, और देख रहे हैं अगर फेसबुक पे तो करिएगा फॉलो, और शेयर भी उन लोगों को करिए जो लोग इस तरह के बिजनेस आइडिया की तलाश में है। और गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलने से पहले मैं बोलूंगा आप सबको थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।